हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब। मैं अब्दुल रजाक आज आपको बताऊंगा एक टी परमिट गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी और एक प्राइवेट कार में क्या फर्क होता है। ये वीडियो मेरी रेगुलर ऑडियंस के लिए नहीं है, क्योंकि वो ऑडियंस जो मुझे रोज देखती है उनको बराबर पता है कि एक टी परमिट कमर्शियल कार क्या होती है और एक प्राइवेट कार क्या होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये टर्म सर्च करते हुए मेरे यूट्यूब वीडियोस तक आते हैं कि टी परमिट गाड़ी और प्राइवेट गाड़ी में क्या फर्क होता है। लेकिन मेरे चैनल पर अभी तक मैंने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई है, तो आज ये एक वीडियो बना रहा हूँ उस ऑडियंस के लिए जो ये सर्च करते हुए आते हैं। वीडियो मैं थोड़ा फटाफट बनाता हूँ, ज्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे काम बहुत होता है। पीछे मेरा काम चल रहा था जो कि मैं कर रहा हूँ इंश्योरेंस का काम। अगर आपको भी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस मुझसे बनवाना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 8855410443। इस नंबर पर मैं आपकी गाड़ी के लिए अच्छा इंश्योरेंस कम प्राइस में करवाने की पूरी ट्राई करूंगा। अभी आता हूँ टॉपिक की तरफ कि एक टी परमिट गाड़ी और प्राइवेट गाड़ी में क्या फर्क होता है। टी परमिट गाड़ी कमर्शियल गाड़ी जो होती है वो येलो प्लेट वाली होती है। आप लोगों ने देखा होगा ओला उबर जैसे सेगमेंट में जो गाड़ियां चलती है वो होती है टी परमिट गाड़ी, जिसमें कि आप पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं। उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गाड़ी के जो पेपर होते हैं, वो भी काफी ज्यादा होते हैं। अलग अलग टैक्स आपको भरने पड़ते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूंगा टी परमिट गाड़ी में आपको क्या क्या पेपर मेंटेन करना पड़ता है। और दूसरी तरफ एक प्राइवेट कार होती है, प्राइवेट कार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और ये गाड़ी आप अपने घरेलू यूज के लिए यूज करते हैं, इसका आप कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। इसको आप भाड़ा जो होता है, जो ट्रिप होता है, ट्रिप पर किसी कमर्शियल यूज में नहीं ले सकते हो। तो ये फर्क होता है टी परमिट और प्राइवेट कार में। टी परमिट गाड़ी को आप कमर्शियली यूज कर सकते हो, उस पर भाड़े मार सकते हो, एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की। लेकिन प्राइवेट गाड़ी को आप सिर्फ और सिर्फ अपने घरेलू यूज में यूज कर सकते हो। उसका कमर्शियल यूज करते हुए अगर आप पकड़े जाते हो तो आरटीओ आपको फाइन कर सकती है। वीडियो आप लोगों ने यहां तक देखा है तो वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ही जाना, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।